बंद करो, आज जनता है हमला बंद करो, दहशत करती बंद करो, हमला करो बंद करो, हमला करो बंद करो, ठेका ताकीरी बंद करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दरिया न्यूज़ के प्रोग्राम लाड से गड हुआ आकिम नसरानी। नाजरीन, आज असि प्रेस क्लब के बारे में बी कर एहतजाज क्यों था। ये एहतजाज अस साफ ही बिरादरी तरफा है, छो तो गुजरियल रात असे सीनियर साफ ही 24 के पेंो नुमाइंदे सिंध जनरल काउंसिल के सीनियर तालके कश्मीर के सीनियर नायब सदर जावेद खोसो मथा कुछ शरपसंद अनासर दहशतगर्दन फायरिंग करे उन मथा हमलों करे रतो रत करे जैसे गणती जोगी हालत में लाड़काने मुंतकिल हो। इन वक्त मां जैसी तई तामू ये प्रोग्राम क्या तो पे तो जावेद खोसो के होश ना आया, वो बेहोशी की हालत में है। अस वक्त जो सिविल सोसाइटी से गड़ गड़ कश्मीर जहाँ सब सीनियर साफी दोस्त इन एहतजाज में असा सा गडन उन्हें इो ही मुतालबो रहे तो पो भाई साफ के मत ही जो वार आई सिर्फ फर्द वाहिद से ना बल्कि पाकिस्तान के बल्कि ये समझो तो दुनिया में हक सच गाली सभी के मत वार आई जावेद खोसे के जिसम में निकल रत ना बल्कि असा सभी के निकल जिसम में निकल रत आ छो जो जावेद की तकलीफ के असा साफ साफ ही पैंजी तकलीफ महसूस क्यों था। अचो तो संद गाल बोल क्यों था उनको चवण है हमला का नई गाल कोने कश्मीर का कराची तक वरी कश्मीर का इस्लामाबाद तक कश्मीर का कोयटा तक कश्मीर का पेशावर तक हमेशा जिते जिते तो साफ ही आयो जिते भी अस हक की गाल क्यों हक सच की गाल क्यों उनकी हिरासा क्या वनो उन हमला क्या वनता दादो मिसाल है कश्मीर में जावेद खोस के मत अण जल जो मानू हथ पे उन फायरिंग किया उनके रतो रत कर कातलों हमलों किया है। असि सख्त लफ्जन में मजम्मत क्यों था अस आई जी सिंध डी आई जी लाड़कानो एस एस पी कश्मीर का या मुतालबो था क्यों तो जावेद खोसो मत हमलों के जवाबदार तुरंत गिरफ्तार किया वन। गुजरियल रात आजाद साफ के अलमरदार कश्मीर के सीनियर साफी जावेद खोसो के जो कातलाना हमलों किया है ये आजाद साफत हक सच के अलमबरदार के रस्तारो कर साजिश है। असि इन इनौने अमल की पुरजोर मजम्मत क्यों था पाया घुर क्यों था पाया आई जी सिंध डी आई जी लाड़काना एस एस पी कश्मीर का स्पेशली फिल फोर इन दहशतगर्दन के गिरफ्तार करें कानून मूजिब सख्त सजा दिनी वे साफिन में पैदा थे बेचैनी जी खत्म की सके मुजम्मत क्यों था रात आरो जो दहशतगर्दी आरो हमलो थियो आहे सीनियर साफी हक सच लिखण वालों साफी जावेद खोसे मथों अस आई जी सिंध डी आई जी लाड़काणो एस पी कश्मीर को मुतालबो क्यों था फिल फोर इन मथों दहशतगर्दी हेट केस दाखिल कर इन दहशतगर्दन के गिरफ्तार किया वे कि साफिन जिसे पास साख बहाल थी सके जावेद खोसो मथा जो रात बुजलानो हमलो है यह एक अमकानी हरकत है। असा वजीर अला सिंध आई जी सिंध ए डी आई जी लाड़काना एस एस पी कश्मीर का मुतालबो क्या सीनियर साफी जावेद खोसे मथा जो हमलो उनके जवाबदार उनके गिरफ्तार किया वे असा साफिन के ताफ दिनों वे असा साफी ये आवाम की आवाज़ आज जैसे असा सा भी अड़ी जुटू थी तो आवाम जो आवाज़ केर हलाए वन तक पहुँचाई नाजरीन तुम सीनियर साफी दोस्त जो गाल बुध संदन यो चवण ही हमलो असा साफ ते आज़ाद साफ ते बिल्कुल एक वार असें हक सच का लिखण ऐण का रोक रोकण की कोशिश आ पर असा कदें भी हक सच लिखण ऐण का कदें भी न रुकंदी। ये असि कैमरा सब का वही हथियार सदो सब का वो हथियार आई कलम असो हथियार आस मजलूमन के आह मजलूमन की दह के बगैर कें रुकावट के भले अस जख्मन में चूर थी वनूँ भले असी जो सीनन में गोलियों बर्दाश्त क्यों भले असा मथा मुख्तलिफ हरबा इस्तेमाल क्या वन असि इखलाक लेवल से तजलील कई वे या अस जिसम में खून कढ़ो वे पर अस हक सच जो ही आवाज़ बुलंद कंदा रही इन पैगाम से दींदा मुझे इजाज़त बेहर कें वे बे प्रोग्राम में तुम सामू हाजिर थी तेसी तई अल्लाह भाई।